अगर आप चाहते हैं कि आपका घर बिना आपकी सुपरविजन के और बिना किसी एफर्ट्स के क्लीन रहे और लगातार क्लीन रहे, तो आपको एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करना चाहिए। आजकल के रोबोट वैक्यूम क्लीनर बहुत ज्यादा अपग्रेडेड हैं। ये वैक्यूम क्लीनर कोनों को अच्छे से साफ कर सकते हैं, आपके घर को पूरी तरह से मैप कर सकते हैं, छोटी मोटी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर सकते हैं। अगर कोई ऑब्स्टेकल बड़ी है तो उससे बिना टकराए रुक जाते हैं। और ये वैक्यूम क्लीनर बेड के नीचे से भी कूड़ा साफ कर सकते हैं, जहां पर हम मैन्युअली आसानी से कूड़ा साफ नहीं कर पाते। इन वैक्यूम क्लीनर्स को हम वॉइस कमांड के साथ, गूगल असिस्टेंट्स के साथ और अलेक्सा के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सी वैरायटी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर्स आ चुके हैं, लेकिन जो बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर है वो किसी भी तरह की डर्ट को बहुत आसानी से साफ कर सकते हैं। और इनकी नेविगेशन स्किल इतनी अच्छी है कि ये किसी भी कॉर्नर को मिस नहीं करते और उन कॉर्नर को भी बहुत अच्छे से साफ करते हैं, जहां पर हमें मैन्युअली साफ करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। आजकल हमारे पास ऐसे भी रोबोट वैक्यूम क्लीनर आते हैं जिन्हें हम वाईफाई के साथ दूर से ही कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे रोबोट वैक्यूम क्लीनर में फीचर्स बढ़ते जाएंगे उसका प्राइस भी बढ़ता जाएगा, लेकिन आपको हर एक बजट के लिए एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर मिलेगा। आज की वीडियो में जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर मैं लेकर आया हूँ, ये अपनी बजट कैटेगरी में बेस्ट हैं, बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं और ड्यूरेबल हैं, साथ ही अपने प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छे फीचर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। मैंने इनके बेस्ट बाय लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। आज की वीडियो के तीन सेक्शन हैं। सबसे पहले हम बात बजट कैटेगरी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर की करेंगे, उसके बाद मिड कैटेगरी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर को देखेंगे और लास्ट में हम प्रीमियम सेगमेंट के रोबोट वैक्यूम क्लीनर को चेक करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि जैसे जैसे हम बजट कैटेगरी से मिड रेंज कैटेगरी या प्रीमियम कैटेगरी में जाएंगे तो डिफरेंस क्या आएगा। बजट कैटेगरी में जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके अंदर जो डस्टबिन और वाटर टैंक का साइज होता है वो स्मॉल होता है। जनरली बजट कैटेगरी में जो डस्टबिन और वाटर टैंक का साइज होता है वो 300 मिलीलीटर होता है, जबकि मिड रेंज या प्रीमियम सेगमेंट में जब हम चले जाएंगे तो जो डस्टबिन का साइज होगा वो 500 मिलीलीटर या 600 मिलीलीटर हो जाएगा। इसी तरह से बजट सेगमेंट या मिड रेंज सेगमेंट में जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर होगा उसके बॉटम में हमें ब्रश नहीं दिया गया होगा, जबकि प्रीमियम सेगमेंट में जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनके बॉटम में ब्रश दिया जाता है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो बजट कैटेगरी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनको हम रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि जो मिड रेंज के रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनको हम रिमोट के साथ साथ ऐप के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम बात प्रीमियम सेगमेंट की करें तो इसमें हम अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर को अलेक्सा के साथ, गूगल असिस्टेंट के साथ और ऐप के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। जो प्रीमियम कैटेगरी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं उनमें जो नेविगेशन सिस्टम दिया जाता है वो बहुत अच्छा होता है। ये नेविगेशन सिस्टम डिसाइड करता है कि रोबोट को कहां पे सफाई करनी है और कहां पे उसने नहीं जाना है। लेकिन बजट कैटेगरी में या मिड रेंज सेगमेंट में जो रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं उसमें गो नो गो एरिया बताने के लिए इलेक्ट्रोवॉल का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोवॉल एक हार्डवेयर डिवाइस है, इसी मॉडल के साथ ये फ्री में मिलता है, जबकि किसी मॉडल के साथ हमें ये सेपरेटली परचेज करना पड़ता है। अगर आप अपने रोबोट वैक्यूम क्लीनर को अलेक्सा, गूगल असिस्टेंट या वाईफाई के साथ कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपके घर में एक वाईफाई का कनेक्शन होना चाहिए। लेकिन अगर आपके घर में वाईफाई का कनेक्शन नहीं है तो आपको एक मिड रेंज वाला रोबोट वैक्यूम क्लीनर परचेज करना चाहिए, जिसमें रिमोट के साथ साथ ऐप के साथ कंट्रोल का फीचर भी दिया गया हो। तो आज की वीडियो में सबसे पहले बात हम बजट कैटेगरी की करते हैं। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की बजट कैटेगरी में नंबर 2 पर है आई लाइफ का V7 प्लस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर विद मॉपिंग। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर खूबसूरत रोज कलर में अवेलेबल है और इसकी सक्शन पावर है 1500 पास्कल की। एक बार फुली चार्ज करने के बाद ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 120 मिनट्स तक काम कर सकता है। ये एक 2-in-1 डिवाइस है, इसमें हम स्वीपिंग के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकते हैं। इस डिवाइस में हमें डस्ट टैंक और वाटर टैंक कंबाइंड दिया गया है, जिसकी वजह से हम डस्टिंग और मॉपिंग साथ साथ कर सकते हैं। इस डिवाइस में हमें एंटी टैंगल सक्शन माउथ दिया गया है, जिसकी वजह से दिस डिवाइस कैन क्लीन पेट हेयर्स इजिली विदाउट हेयर एंटेंगलमेंट प्रॉब्लम। इसमें हमें ऑटोमेटिक रिचार्ज का फीचर भी दिया गया है,
जब इस डिवाइस की बैटरी कम हो जाएगी तो ये खुद अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा और अपने आप को चार्ज करेगा और फिर से काम पर लग जाएगा। इसमें हमें डिफरेंट सेंसर दिए गए हैं जिसकी हेल्प से ये सराउंडिंग में पड़े फर्नीचर को आइडेंटिफाई कर सकता है और उसके साथ इसका कोलिजन नहीं होता। इस डिवाइस में हमें 3 क्लीनिंग मोड दिए गए हैं। ऑटो क्लीनिंग मोड पूरे एरिया को इफेक्टिवली क्लीन करता है, जबकि स्पॉट मोड एक पर्टिकुलर स्पॉट को क्लीन करता है जहां पर स्टेन ज्यादा गहरा हो, जबकि एज मोड सभी एजेस को क्लीन करता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा ये डिवाइस एक पर्टिकुलर टाइम पर सफाई करे तो उसके लिए हमें शेड्यूल मोड भी दिया गया है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर को हम रिमोट के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। ये एक बेसिक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए एंड्रॉइड ऐप की हेल्प से हम इसे अपने मोबाइल पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। हमारे घर के किन एरियाज पर इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ने सफाई करनी है और किन एरियाज पर सफाई नहीं करनी, इसके लिए हमें इलेक्ट्रोवाल का यूज करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोवाल एक हार्डवेयर डिवाइस है। इलेक्ट्रोवाल इंफ्रारेड रेज एमिट करता है और इन इंफ्रारेड रेज को ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर कैच कर लेता है। जिन एरियाज में हम इलेक्ट्रोवाल रख देंगे वहां पर ये क्लीनिंग नहीं करेगा। ये मॉडल परचेज करने के बाद जब आप आई लाइफ की कस्टमर सपोर्ट टीम के साथ बात करोगे तो आपको ये इलेक्ट्रोवाल फ्री में मिल जाएंगे। अगर मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करूं तो इस डिवाइस को हम ऐप के साथ या फिर गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर आपके लिए ये नेगेटिव पॉइंट नहीं है तो बजट कैटेगरी में ये काफी अच्छा रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की बजट कैटेगरी में नंबर 2 पर है इनाल्सा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। मॉडल नेम है होमलैंड गायरो। इसमें हमें 1800 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है। इसके बेस में एक सेंट्रल ब्रश दिया गया है और 2 साइड ब्रश दिए गए हैं। साइड वाले 2 ब्रश डर्ट को सेंटर की तरफ पुश करते हैं, जबकि सेंट्रल ब्रश डर्ट को कलेक्ट कर लेता है और इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो डस्टबिन है उसमें उस डस्ट को कलेक्ट करता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर सभी तरह की डस्ट को बहुत अच्छे से कलेक्ट करता है। जो डस्ट कॉर्नर्स में होती है उसे भी ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कलेक्ट कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर के अंदर जो हमें डस्टबिन मिलता है उसका साइज है 450 मिलीलीटर। एक बजट कैटेगरी के रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में इतना बड़ा साइज मिलना बहुत अच्छी बात है। जनरली बजट कैटेगरी में हमें 300 मिलीलीटर का डस्टबिन ही मिलता है। ये वैक्यूम क्लीनर सभी तरह के फ्लोर्स के लिए, चाहे वो टाइल्स हो, कारपेट हो या मार्बल हो, सूटेबल है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कम्प्लीटली चार्ज करने के लिए 5 घंटे का समय लग जाता है और एक बार फुली चार्ज करने के बाद ये 100 मिनट्स तक कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है। जब इसकी बैटरी 20% से कम हो जाती है तो ये ऑटोमेटिकली अपने चार्जिंग पॉइंट पर चला जाता है। इस तरह से हमें इसे मैनुअली चार्ज करने की जरूरत नहीं है। ये एक 2-in-1 वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए ये स्वीपिंग के साथ साथ मॉपिंग भी करता है। जब ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके घर को क्लीन करेगा तो उसका एक मैप प्रिपेयर करेगा। उस मैप को आप अपने मोबाइल पर देख सकते हो। इस मैप को देखकर आपको ये पता चल जाएगा कि इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर ने आपके घर के किस एरिया को साफ कर दिया है और किस एरिया की सफाई करना अभी पेंडिंग है। इस वैक्यूम क्लीनर में हमें 7 क्लीनिंग मोड दिए गए हैं। ये मोड है ऑटो, गायरो, पेरीमीटर, स्पाइरल, मैनुअल, रिटर्न होम एंड ऑप्टिमल पावर। अगर कंट्रोल की बात करूं तो हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को अपने मोबाइल से कंट्रोल कर सकते हैं। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के साथ भी कंपैटिबल है। इस वैक्यूम क्लीनर के साथ हमें रिमोट भी मिलता है और हम इसे रिमोट के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। मैंने इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। ये एक बजट कैटेगरी का रोबोट वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए सिंगल चार्ज में कम एरिया कवर करता है। अगर आपका स्मॉल हाउस है और उसका स्क्वायर फीट एरिया 1000 से कम है तो आप इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की तरफ जा सकते हैं। सेकेंड नेगेटिव पॉइंट है कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर वर्किंग करते समय मैप्स बना सकता है, लेकिन उन मैप्स को स्टोर नहीं कर सकता। साइकिल कंप्लीट होने के बाद ये उन मैप्स को डिलीट कर देता है। जो कॉस्टली रोबोट वैक्यूम क्लीनर होते हैं वो मैप्स प्रिपेयर करते हैं और उन मैप्स को सेव करते हैं। नेक्स्ट टाइम जब हमें क्लीनिंग करनी हो तो हम इन सेव्ड मैप की हेल्प से रोबोट वैक्यूम क्लीनर को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं सिर्फ एक रूम या फिर एक पर्टिकुलर स्पॉट क्लीन करने के लिए।
एक और नेगेटिव पॉइंट है कि इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में जो हमें मॉपिंग फंक्शन दिया गया है वो एवरेज क्वालिटी का है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में बहुत से पॉजिटिव पॉइंट है। पहला पॉजिटिव पॉइंट है कि इसकी जो स्वीपिंग है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। इसकी स्वीपिंग प्रीमियम कैटेगरी के रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बराबर है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हम गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा और एंड्रॉइड ऐप की हेल्प से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इतने कम प्राइस में शायद ही कोई और रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसा होगा जिसमें हमें ये फीचर्स मिल रहे हों। और थर्ड पॉजिटिव पॉइंट है कि इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के बेस में हमें ब्रश दिया गया है, जबकि जो बजट कैटेगरी में रोबोट वैक्यूम क्लीनर आते हैं बहुत कम रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसे हैं जिनके बेस में हमें ब्रश दिया गया हो। अब आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहां दिए लिंक से इसे चेकआउट कर लीजिए। अब हम बात मिड रेंज कैटेगरी की करते हैं। इस कैटेगरी में नंबर 2 पर है आई लाइफ का B5 मैक्स रोबोट वैक्यूम क्लीनर। इसमें हमें 2000 पास्कल की सक्शन पावर मिलती है। जितनी ज्यादा सक्शन पावर हो रोबोट वैक्यूम क्लीनर उतनी अच्छी तरह से क्लीनिंग कर सकता है। मोर ओवर इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर को हम मोबाइल ऐप की हेल्प से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर फ्लोर पर स्टेन्स ज्यादा है तो हम इसकी सक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं, और अगर हमारा फ्लोर पे गंदगी कम है तो हम इसकी सक्शन पावर को कम कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की हाइट है 2.9 इंचेस, इसलिए ये फर्नीचर के नीचे से भी बहुत इजीली क्लीनिंग कर सकता है। अगर मैं नॉइस लेवल की बात करूं तो वर्किंग के समय ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर सिर्फ 70 डीबी की नॉइस प्रोड्यूस करता है, जो कि अच्छी बात है। इसके अंदर हमें 2400 mAh की बैटरी दी गई है, जो कम्प्लीटली चार्ज होने के लिए 5 घंटे का टाइम लेती है। और कम्प्लीटली चार्ज होने के बाद ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगातार 100 मिनट्स तक काम कर सकता है। इसलिए स्मॉल हाउसेस के लिए मैं इसे रिकमेंड करता हूँ। अगर आपके घर का क्लीनिंग एरिया अप्रोक्सीमेटली 1000 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आप इसे परचेज कर सकते हो। इंफ्रारेड रेडिएशन की हेल्प से ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर रास्ते में आने वाली ऑब्स्टेकल को डिटेक्ट कर सकता है, हाइट को डिटेक्ट कर सकता है और कॉर्नर्स को डिटेक्ट कर सकता है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें क्लीनिंग के लिए डिफरेंट मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि ऑटो मोड, स्पॉट मोड और एज क्लीनिंग मोड। अगर हम स्पॉट मोड चूज करेंगे तो ये रोबोट एक ही जगह पर टफ स्टेन्स को रिमूव करेगा। जब हम ऑटो मोड चूज करेंगे तो वो मैक्सिमाइज करेगा क्लीनिंग एरिया को। जब हम मैक्स मोड चूज करेंगे तो इसकी सक्शन पावर इंक्रीज हो जाएगी। और अगर हम एज मोड सेलेक्ट करेंगे तो ये रोबोट कॉर्नर्स पर ज्यादा फोकस करेगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में पेट हेयर्स टैंगल नहीं करते हैं, इसलिए ये पेट ओनर्स के लिए काफी यूजफुल है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में डस्ट कलेक्ट करने के लिए जो बॉक्स दिया गया है उसकी कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली 600 मिलीलीटर है, इसलिए क्लीनिंग के बाद डेली इस बॉक्स को एम्प्टी करने की जरूरत नहीं है। हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर के डस्ट बॉक्स को 2-3 दिन के बाद क्लीन कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो मॉपिंग के लिए वाटर टैंक दिया गया है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 50 मिलीलीटर है, इसलिए मॉपिंग करते समय आपको इसके वाटर टैंक को रिफिल करना पड़ सकता है। क्लीनिंग के बाद ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर खुद अपने चार्जिंग स्टेशन पर चला जाएगा, इसलिए हमें इसे मैन्युअली चार्ज करने की जरूरत नहीं है। इस वैक्यूम क्लीनर को हम रिमोट के साथ और मोबाइल ऐप के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम ये देखना चाहें कि हमारे इस वैक्यूम क्लीनर ने हमारे घर के कौन कौन से एरिया की सफाई कर ली है तो उसे हम अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं, क्योंकि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर वर्किंग करते समय एक मैप प्रिपेयर करता है और वो मैप हम अपने मोबाइल ऐप पर देख सकते हैं। अगर हम अपने घर की क्लीनिंग को शेड्यूल करना चाहें तो मोबाइल ऐप की हेल्प से हम वैसा भी कर सकते हैं। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के साथ भी कंपैटिबल है, इसलिए हम इसे वॉइस कमांड के साथ भी कंट्रोल कर सकते हैं। सेपरेट स्वीपिंग और सेपरेट मॉपिंग टाइम कंज्यूमिंग हो सकती है, इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि उनका रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऐसा हो जो स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली कर सके। तो आई लाइफ का B5 मैक्स एक साथ स्वीपिंग और मॉपिंग कर सकता है। जब हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को परचेज करेंगे तो बॉक्स में हमें एक रोबोट वैक्यूम क्लीनर, एक डस्टबिन, 3 वैक्यूम डस्ट बैग्स, एक रिमोट कंट्रोल, 2 हाई एफिशिएंसी फिल्टर, एक पावर अडाप्टर, एक चार्जिंग डॉक, एक क्लीनिंग ब्रश, 2 साइड ब्रश, एक वाटर टैंक और एक सर्विस कार्ड मिलेगा। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का पहला नेगेटिव पॉइंट है कि इसमें जो वाटर स्टोरेज बॉक्स दिया गया है उसकी कैपेसिटी सिर्फ 50 मिलीलीटर है, इसलिए मॉपिंग करते समय आपको इसके वाटर बॉक्स को फिर से रिफिल करना पड़ेगा। अगर आप हफ्ते में 1 या 2 बार मॉपिंग करते हैं तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप डेली मॉपिंग करते हैं
तो ये आपके लिए थोड़ा सा इनकन्वीनियंट हो सकता है। इसका दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये है कि स्वीपिंग करते समय अगर इसकी बैटरी कम हो जाए तो ये चार्जिंग के लिए चला जाता है, लेकिन चार्ज होने के बाद ये फिर से उसी पॉइंट से काम शुरू नहीं करता जहां पर इसने काम को छोड़ा था। जबकि कुछ महंगे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हमें ऐसे भी मिलते हैं जो चार्ज होने के बाद से उसी पॉइंट से काम शुरू करते हैं जहां पर उन्होंने स्टॉप किया था। लेकिन अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में बहुत से पॉजिटिव पॉइंट है। पहला, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर 2000 PA है जो कि बहुत अच्छी है। दूसरा, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में जो हमें डस्टबिन का बॉक्स दिया गया है उसकी कैपेसिटी 600 मिलीलीटर है, इसलिए इस डस्ट बॉक्स को हमें डेली एम्प्टी करने की जरूरत नहीं है। इस बॉक्स को हम 2-3 दिन के बाद भी एम्प्टी कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके घर का एरिया 1000 स्क्वायर फीट के लगभग है और आप हफ्ते में 1 या 2 बार ही मॉपिंग करते हैं तो ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर आपके लिए बेस्ट रहेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मिड रेंज कैटेगरी में नंबर 1 पर है व्योमी SE रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 2200 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है, जिसकी वजह से ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर डर्ट और डिब्रिस को बहुत आसानी से कलेक्ट कर सकता है। इसमें हमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है। फुल चार्ज होने पर ये 120 मिनट्स कंटिन्यूअसली वर्क कर सकती है। अगर मैं एरिया कवरेज की बात करूं तो एक बार फुली चार्ज होने पर ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2000 स्क्वायर फीट का एरिया क्लीन कर सकता है। इसलिए अगर आप बड़े घर में रहते हैं तो भी आप इस वैक्यूम क्लीनर को यूज कर सकते हैं। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एक 2-in-1 हाइब्रिड टैंक दिया गया है। इस टैंक में एक साइड पे डस्ट कलेक्ट होती है और दूसरी साइड हम पानी डाल सकते हैं। जो डस्ट कलेक्शन की स्पेस है वो 300 मिलीलीटर है और जो पानी डालने का स्पेस है वो 200 मिलीलीटर है। ये मशीन 2 तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। एस टाइप पैटर्न जो है ये लार्ज एरिया के लिए यूजफुल है, जबकि वाई टाइप पैटर्न में एक ही जगह पर 2 बार मॉपिंग की जाती है और ये पैटर्न इंटेंस डीप क्लीनिंग के लिए है। इसलिए वाई टाइप मॉपिंग ज्यादा बैटरी कंज्यूम करती है एज कम्पेयर टू एस टाइप मॉपिंग। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में मॉपिंग के लिए हमें 2 तरह के क्लॉथ्स दिए गए हैं और दोनों की फंक्शनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस है। जो पहला क्लॉथ है ये नॉर्मल मॉपिंग करता है और मॉपिंग करते समय इसका पूरा एरिया वेट हो जाता है। अगर आपके फ्लोर पे डर्ट ज्यादा है तो आप फर्स्ट क्लॉथ को यूज कर सकते हो। जो सेकंड क्लॉथ है मॉपिंग करते समय इसका सिर्फ आधा एरिया वेट होता है और आधा एरिया ड्राई रहता है। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारा फ्लोर जल्दी ड्राई हो जाए तो हमें सेकंड वाले क्लॉथ से ही मॉपिंग करनी चाहिए, क्योंकि इसका आधा पोर्शन जो कि ड्राई है वो साथ साथ में मॉपिंग किए गए एरिया को ड्राई कर देता है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। बहुत से रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें शेड्यूल फीचर दिया गया होता है, जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ये फीचर थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरिया के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे घर के एक पर्टिकुलर एरिया को ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर मॉर्निंग में क्लीन करे और घर के दूसरे एरिया को इवनिंग में क्लीन करे तो ये भी इस वैक्यूम क्लीनर में पॉसिबल है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें लिडार नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें कुछ रेंज मेजरमेंट सेंसर होते हैं। ये सेंसर लगातार पल्स ऑफ लाइट को एमिट करते हैं। ये लाइट जब टारगेट को हिट करके वापिस आती है तो उसकी हेल्प से डिस्टेंस को मेजर कर लिया जाता है। ये नेविगेशन सिस्टम काफी फास्ट और एक्यूरेट होता है। जब आप इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये आपके घर का एक मैप बनाएगा और इस मैप में हमारे घर के डिफरेंट एरियाज को ये रूम का नाम दे देगा, चाहे वो लॉबी हो या कॉरिडोर हो या बरांडा हो, हमारे इस मैप में उसे रूम का नाम दिया गया होगा। जो मैप ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रिपेयर करेगा, अगर हमें वो पसंद ना हो तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से 2 रूम्स को मर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर एक रूम बड़ा है
तो उसे दो रूम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम अपने नीड के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर रूम या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर हमारे किसी रूम में कुछ गंद पड़ गया और हम चाहते हैं कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर सिर्फ उसी एरिया को क्लीन करे जहां पर गंद पड़ा है, तो हम मैप में वो एरिया सिलेक्ट करेंगे। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर सिर्फ उसी एरिया को साफ करेगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 12 हाई प्रिसेशन सेंसर दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये वैक्यूम क्लीनर अपनी सराउंडिंग को एक्यूरेटली जज कर सकता है। कुछ इंपॉर्टेंट सेंसर्स की बात करूं तो इसमें हमें एंटी कोलिजन और एंटी ड्रॉप सेंसर्स दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये डिवाइस अपने रास्ते में आने वाली 2 सेंटीमीटर हाइट तक की ऑब्स्टेकल को आसानी से क्रॉस कर सकता है। जब हम इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो जहां पर ऑब्स्टेकल्स होंगी ये उस एरिया को नोट कर लेगा और वहां पर एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर लेगा। जो मैप ये डिवाइस प्रिपेयर करेगा उसे हम अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये डिवाइस 10 मैप तक सेव कर सकता है। ये रोबोट गूगल असिस्टेंट्स के साथ भी कंपैटिबल है। जब हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को परचेज करेंगे तो इसके साथ हमें एक वैक्यूम मॉप, एक चार्जिंग डॉक, एक अडाप्टर, एक रीयूजेबल वेट मॉप, एक रीयूजेबल मॉइस्ट मॉप पैड, एक मॉप पैड होल्डर, एक 2-in-1 डस्ट कंपार्टमेंट, एक 2-साइड ब्रश, एक यूजर मैनुअल और एक वारंटी कार्ड साथ में मिलेगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि कभी कभी ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने चार्जिंग स्टेशन को भूल जाता है। एस्पेशली जब ये अपने चार्जिंग स्टेशन से काफी ज्यादा दूर होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। इसकी जो सक्शन पावर है वो भी काफी अच्छी है। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। अब हम बात प्रीमियम कैटेगरी की करते हैं। इस कैटेगरी में नंबर 3 पर है MI रोबोट वैक्यूम मॉप P2100 और इसकी सक्शन पावर है 2100 पास्कल की। इसी वजह से इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की क्लीनिंग एफिशिएंसी काफी अच्छी है और ये डस्ट और डिब्रिस को बड़ी जल्दी रिमूव करता है। लेकिन अगर हमारे रूम में गंदगी कम है और हम ये चाहते हैं कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कम सक्शन पावर पर काम करे, तो हम मोबाइल ऐप की हेल्प से इसकी सक्शन पावर को कम भी कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पर गंदगी ज्यादा होगी हम इसकी सक्शन पावर को बढ़ा सकते हैं और यहाँ पर गंदगी कम होगी हम इसकी सक्शन पावर को कम कर सकते हैं। इसमें हमें 3200 mAh की बैटरी दी गई है जो कि 130 मिनट्स तक आराम से काम कर सकती है। ये 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 2 बॉक्सेस दिए गए हैं। एक बॉक्स सिर्फ डस्ट कलेक्शन के लिए है जिसका साइज है 550 मिलीलीटर। जब हम स्वीपिंग करेंगे तो हमारी जो डस्ट होगी वो इसमें कलेक्ट हो जाएगी। जो दूसरा बॉक्स दिया है वो 2-in-1 बॉक्स है। जब हम स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली यूज करेंगे तो सेकेंड वाला बॉक्स यूज होगा। ये मशीन 2 तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। एस टाइप पैटर्न जो है ये लार्ज एरिया के लिए यूजफुल है, जबकि वाई टाइप पैटर्न में एक ही जगह पर 2 बार मॉपिंग की जाती है और ये पैटर्न इंटेंस डीप क्लीनिंग के लिए है। मॉपिंग के समय कितना पानी यूज करना है उसे भी हम अपनी नीड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 3 वाटर लेवल सेटिंग दी गई हैं, लो, मीडियम और हाई। अगर हमारा फ्लोर लगभग क्लीन है तो हम वाटर लेवल को लो पर रखेंगे और अगर हमारे फ्लोर पर थोड़े से स्टेन है तो हम वाटर लेवल को हाई पर रखेंगे। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। बहुत से रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें शेड्यूल फीचर दिया गया होता है जिसकी हेल्प से हम अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, लेकिन इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में ये फीचर थोड़ा सा एडवांस है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें हमें LDS लेजर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें रियल टाइम मैपिंग के लिए स्लैम एल्गोरिथम का यूज किया जाता है जो कि काफी फास्ट होता है और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की जो स्कैनिंग रेंज है वो 8 मीटर की है। जब आप इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करोगे तो ये आपके घर का एक मैप बनाएगा और इस मैप में हमारे घर के डिफरेंट एरियाज को ये रूम का नाम दे देगा।
चाहे वो लॉबी हो या कॉरिडोर हो या बरांडा हो। हमारे इस मैप में उसे रूम का नाम दिया गया होगा। जो मैप ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर प्रिपेयर करेगा, अगर हमें वो पसंद ना हो तो हम अपनी चॉइस के हिसाब से दो रूम्स को मर्ज कर सकते हैं, या फिर अगर एक रूम बड़ा है तो उसे दो रूम्स में डिवाइड कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये है कि नेक्स्ट टाइम अपनी नीड के हिसाब से हम एक पर्टिकुलर रूम या फिर एक पर्टिकुलर एरिया की क्लीनिंग कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 12 हाई प्रिसेशन सेंसर दिए गए हैं। इन सेंसर्स की हेल्प से ये वैक्यूम क्लीनर अपनी सराउंडिंग को एक्यूरेटली जज कर सकता है। इन सेंसर्स की हेल्प से ये डिवाइस अपने रास्ते में आने वाली 2 सेंटीमीटर हाइट तक की ऑब्स्टेकल को आसानी से क्रॉस कर सकता है। जो मैप ये डिवाइस प्रिपेयर करेगा उसे हम अपने मोबाइल पर देख सकते हैं। ये डिवाइस 10 मैप तक सेव कर सकता है। MI का ये रोबोट गूगल असिस्टेंट्स के साथ भी कंपैटिबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। पहला नेगेटिव पॉइंट मुझे इसमें ये लगा कि कभी कभी ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने चार्जिंग स्टेशन को भूल जाता है। एस्पेशली जब ये अपने चार्जिंग स्टेशन से काफी ज्यादा दूर होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम कभी कभी आ सकती है। दूसरा नेगेटिव पॉइंट मुझे ये लगा कि मॉपिंग करते समय अगर इसमें पानी खत्म हो जाए तो उसके लिए हमें कोई अलार्म नहीं दिया गया। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, इसकी जो सक्शन पावर है वो भी काफी अच्छी है, और MI का ब्रांड नेम बहुत अच्छा है। मैंने इसका बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां पर आप अपडेटेड प्राइस और कस्टमर रिव्यूज भी देख सकते हैं। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 2 पर है इकोवैक डीबोट N8 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, इसलिए क्लीनिंग के साथ साथ मॉपिंग भी कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 2300 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर दी गई है। इकोवैक रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की दुनिया में अपनी अच्छी क्वालिटी और इनोवेशन के लिए जाना जाता है। इकोवैक का डीबोट N8 एक कॉस्ट इफेक्टिव रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है, और ये ऑटो एम्प्टी स्टेशन के साथ भी कंपैटिबल है। एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद ये मोर देन 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को आसानी से क्लीन कर सकता है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें पेटेंटेड DTOF टेक्नोलॉजी दी गई है। ये एक नेक्स्ट जनरेशन का लेजर गाइडेंस टेक्नोलॉजी है, जो प्रिसाइसली स्कैन कर सकती है, मैप प्रिपेयर कर सकती है और प्लान कर सकती है कि कौन सा पाथ सही रहेगा जिससे एफिशिएंट क्लीनिंग हो पाए। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें ट्रू मैपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर अपने सराउंडिंग के 10 मीटर के एरिया में स्कैन कर सकता है और उसे डिटेक्ट कर सकता है, जिसकी वजह से ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर 2 mm के स्मॉल ऑब्जेक्ट को भी डिटेक्ट कर सकता है। ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर सभी तरह के फ्लोर के लिए सूटेबल है, चाहे आपके घर में टाइल्स हो, मार्बल हो, ग्रेनाइट हो या फिर वुड हो। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें पेटेंटेड ओस्मो मॉपिंग टेक्नोलॉजी दी गई है। कंपनी क्लेम करती है कि ओस्मो मॉपिंग टेक्नोलॉजी हैंड लाइक मॉपिंग प्रोवाइड करती है, लेकिन जब मैंने प्रैक्टिकली इसका डिमॉन्स्ट्रेशन देखा तो मैंने महसूस किया कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर टफ स्टेन्स को रिमूव नहीं कर सकता। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मॉपिंग अच्छी है अगर आपके फ्लोर पर स्टिकी डर्ट पार्टिकल्स ना हो। अगर आपके फ्लोर पर स्टिकी डर्ट पार्टिकल्स हैं तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसे रिमूव नहीं कर पाएगा, लेकिन अगर आपके फ्लोर पर ऐसी डर्ट है जो स्टिकी नहीं है तो ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसे आसानी से क्लीन कर लेगा। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को हम इकोवैक स्मार्ट ऐप के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और फिर अपने मोबाइल से ही इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कंट्रोल कर सकते हैं। जब हम फर्स्ट टाइम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को यूज करेंगे तो ये हमारे घर का एक मैप प्रिपेयर करेगा और उस मैप को स्टोर कर लेगा। इस मोबाइल ऐप की हेल्प से हम अपनी क्लीनिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, पूरे घर को साफ कर सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर एरिया जिसे हम सिलेक्ट करेंगे ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर उसी की क्लीनिंग भी कर सकता है। हम इसकी क्लीनिंग के स्टेटस को अपने मोबाइल ऐप पर भी चेक कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें स्मार्ट कारपेट डिटेक्शन सिस्टम भी दिया गया है, इसलिए मॉपिंग करते समय ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कारपेट को डिटेक्ट कर लेता है और उसे वेट नहीं करता। इकोवैक स्मार्ट ऐप की हेल्प से हम इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर को कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं, और ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर मल्टी फ्लोर की मैपिंग भी कर सकता है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बात नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं।
इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर टफ स्टेन्स को रिमूव नहीं कर सकता। टफ स्टेन्स को आपको हैंड के साथ ही रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर काफी अच्छी है। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर बिल्कुल स्मॉल पार्टिकल्स को भी सक कर लेते हैं और डस्टबिन में कलेक्ट कर देते हैं। साथ ही अपनी नीड के हिसाब से हम इसकी सक्शन पावर को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की मैपिंग कैपेबिलिटीज बहुत अच्छी हैं। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर लगभग एक घंटे में 700 स्क्वायर फीट एरिया की मॉपिंग और क्लीनिंग कर सकता है। ओवरऑल ये एक काफी अच्छा रोबोट वैक्यूम क्लीनर है और आप इसे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से परचेज कर सकते हो। बेस्ट रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की लिस्ट में नंबर 1 पर है Xiaomi रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर मॉप 2 प्रो। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 3000 पास्कल की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर मिलती है और इतनी सक्शन पावर बिल्कुल परफेक्ट क्लीनिंग कर सकती है। लेकिन अगर हमारे रूम में गंदगी कम है और हम ये चाहते हैं कि ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर कम सक्शन पावर पर काम करे तो हम मोबाइल ऐप की हेल्प से इसकी सक्शन पावर को कम भी कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 5200 mAh की बड़ी बैटरी मिलती है जो कि एक बार कंप्लीटली चार्ज होने के बाद लगभग 3.5 घंटे तक काम कर सकती है और मोर देन 2000 स्क्वायर फीट के एरिया को क्लीन कर सकती है। ये एक 2-in-1 रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर है। इसमें हम स्वीपिंग कर सकते हैं, मॉपिंग कर सकते हैं और स्वीपिंग और मॉपिंग साइमल्टेनियसली भी कर सकते हैं। ये मशीन दो तरह के मॉपिंग पैटर्न को सपोर्ट करती है, एक एस टाइप और दूसरा वाई टाइप। मॉपिंग के समय कितना पानी यूज करना है उसे भी हम अपनी नीड के हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में 3 वाटर लेवल सेटिंग दी गई है, लो, मीडियम और हाई। ये रोबोट वैक्यूम क्लीनर ऑटोमेटिक रिचार्जिंग के साथ आता है। अगर वर्किंग करते समय इसकी बैटरी लो हो जाएगी तो ये अपने काम को वहीं पर रोक देगा, अपने चार्जिंग स्टेशन पर जाएगा, अपने आप को चार्ज करेगा और चार्ज करने के बाद फिर से वहीं से काम स्टार्ट करेगा जहां पर इसने अपने काम को छोड़ा था। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें एडवांस शेड्यूल सिस्टम दिया गया है। इसमें हम अपने घर के डिफरेंट एरियाज के लिए डिफरेंट शेड्यूल बना सकते हैं। इसमें हमें LDS लेजर नेविगेशन सिस्टम दिया गया है। इसमें रियल टाइम मैपिंग के लिए स्लैम एल्गोरिथम का यूज किया जाता है जो कि काफी फास्ट होता है और इसकी एक्यूरेसी काफी अच्छी है। इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की स्कैनिंग रेंज 10 मीटर की है। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर में हमें 19 हाई प्रिसेशन सेंसर दिए गए हैं। जो दूसरे रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर हमने अभी तक देखे उनमें मैक्सिमम 12 हाई प्रिसेशन सेंसर ही अवेलेबल थे, इसलिए ये रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर थोड़ा सा एडवांस है। जब हम इस डिवाइस को फर्स्ट टाइम यूज करेंगे तो ये हमारे सारे घर को एक मैप बना लेगा। जहां पर ऑब्स्टेकल्स होंगी ये उस एरिया को नोट कर लेगा और वहां पर एक वर्चुअल वॉल क्रिएट कर लेगा। ये डिवाइस 10 मैप तक सेव कर सकता है। Xiaomi का मॉप 2 प्रो गूगल असिस्टेंट और अलेक्सा के साथ भी कंपेटेबल है। मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है। लेकिन डिस्क्रिप्शन में जाने से पहले इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले बहुत नेगेटिव पॉइंट्स की करते हैं। इस रोबोटिक वैक्यूम क्लीनर की जो मॉपिंग एफिशिएंसी है वो एवरेज है। नंबर 2, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में जो वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है वो भी कम है। 2 रूम्स की मॉपिंग के बाद इसमें पानी खत्म हो जाएगा और इसमें हमें पानी फिर से रिफिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करूं तो इसमें पॉजिटिव पॉइंट्स बहुत सारे हैं। नंबर 1, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर का डिजाइन बहुत अच्छा है। नंबर 2, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की सक्शन पावर काफी अच्छी है। इसमें हमें 3000 पास्कल की सक्शन पावर मिलती है जो कि काफी ज्यादा है। और नंबर 3, इसमें हमें काफी बड़े साइज की बैटरी मिलती है जो कि 5200 mAh है। 4th, इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर में हमें 19 हाई प्रिसेशन सेंसर दिए गए हैं जिनकी वजह से इस रोबोट वैक्यूम क्लीनर की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। अब आप डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से इसे चेकआउट कर लीजिए।